हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और आज हम बात करने वाले हैं घर में प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स, जिस लेडी के भी पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो सबसे पहले उसके मन में एक ही सवाल आता है, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपके पीरियड भी मिस हो गए हैं तो आप अपना घर में प्रेगनेंसी टेस्ट लगा सकती हैं। जैसे कि आप मेरे पास देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर यूरिन रखा हुआ है, इसमें भी है, इसमें भी है, और हमारे पास है शुगर यानी कि चीनी। तो चीनी हर घर में मिल जाती है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का पता होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये गलती करेंगे तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है और गलत हो सकता है। तो देखिए, आपको जब प्रेगनेंसी टेस्ट लगाना है तो आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब लगाना है। तो जैसे ही आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, आपके पीरियड्स नहीं आते हैं, जो भी आपकी पीरियड डेट है उस दिन आपकी पीरियड नहीं आते हैं, तो आपको कम से कम 5 दिन का वेट करना है। 5 दिन का वेट करने के बाद आपको ये प्रेगनेंसी टेस्ट लगाना है। इसकी वजह यह है कि आप जब प्रेगनेंसी टेस्ट लगाएंगी तो आपके जो यूरिन है उसमें एक हार्मोन बनता है HCG, प्रेग्नेंट होने पर ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन। ये हार्मोन जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके अंदर बनना शुरू हो जाता है। तो जब शुरुआती दिनों में आप टेस्ट अगर लगाती हैं तो ये हार्मोन इतना कम होता है कि आपका रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है और रिजल्ट आपका इनवैलिड हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको कम से कम 5 दिन का वेट करना है, उसके बाद ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लगाना है। चाहे वो आप किट्स के द्वारा लगाएं या आप घर में किसी भी नमक से होता है, चीनी से होता है, यूरिन द्वारा आप घर में लगा सकती हैं। तो जैसे कि मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, आपको किट भी आपकी मार्केट में अवेलेबल होती है, किट आपको ला करके कैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको जो बताया है टाइमिंग, आपको ये ध्यान रखना है प्रेगनेंसी टेस्ट कब लगाना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा आपको मॉर्निंग यूरिन सैंपल से ही लगाना है। मॉर्निंग यूरिन सैंपल का मतलब ये है, जब आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लगाएं तो जब आप सुबह फर्स्ट टाइम यूरिन पास आउट करती हैं, यानी कि जब आप पेशाब करती हैं, पहला पेशाब जो आप करती हैं सुबह उठ करके, वो आपको टेस्ट, उससे आपको अपना टेस्ट लगाना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर ये यूरिन रखा हुआ है, तो यूरिन को हमेशा आपको ध्यान रखना है, मॉर्निंग यूरिन सैंपल ही आपको लेना है, तभी आपका रिजल्ट थोड़ा ठीक आएगा। क्योंकि आप दिन में पानी पीती हैं तो वो हार्मोन्स उसके साथ जब मिल जाएगा तो थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका टेस्ट उस टाइम नेगेटिव आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है एक तो, और दूसरी चीज़, अब जब जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, प्रेगनेंसी होते ही आपको कुछ सिम्टम्स भी नज़र आते हैं, मैं आपको वो भी बता दूँ। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपको एक तो नोज़िया फील होता है बहुत ज़्यादा, मतलब वोमिटिंग जैसा फील होता है, और इसके अलावा आपको पीरियड टाइम पर आपको हल्की सी स्पॉटिंग हो सकती है, जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। तो वो सिर्फ एक थोड़ी सी होकर वो ख़त्म हो जाती है, वो रेगुलर ब्लड नहीं आता है, तो उससे आप समझ सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। इसके अलावा आपको जैसे कि आपको चक्कर आना फील हो सकता है, मॉर्निंग सिकनेस, आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस, ज़्यादातर लेडीज़ को देखा गया है कि उनके ब्रेस्ट में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं। तो अगर आपको अपने ब्रेस्ट में चेंजेस कुछ भी नज़र आ रहे हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। इसके अलावा आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, और इसके अलावा आपको जैसे कि पेट में चुभन जैसी आपको फील हो सकती है, कभी कभी बीच बीच में आपको क्रैम्प्स फील होते हैं। तो ये सभी प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। अब मैंने आपको ये तो बता दिया, और अब बाकी ऐसा भी होता है, कुछ कुछ लेडीज़ का मुंह आने लगता है, मुंह में छाले जैसे होने लगते हैं, तो ये भी प्रेगनेंसी का लक्षण है। और कुछ लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, और कुछ लेडीज़ को लूज़ मोशन हो जाते हैं। तो ये सारी प्रेगनेंसी के लक्षण अगर आपको नज़र आ रहे हैं और आपका पीरियड्स भी नहीं आए हैं तो आप घर में ये प्रेगनेंसी टेस्ट लगा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं ये टेस्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास एक ये यूरिन सैंपल है, एक ये यूरिन सैंपल है। मैं इसमें सिर्फ आपको लगा कर बता रही हूँ कैसे आप देखेंगे। देखिए, हमारे पास चीनी है, चीनी हर घर में अवेलेबल होती है। हमें क्या करना है, इतनी हमें चीनी लेनी है, हमें इस यूरिन में भी डाल देनी है और इतनी ही चीनी हमें इस यूरिन में भी डाल देनी है। यानी कि आपको जो भी आप अगर जो प्रेग्नेंट हैं या नहीं है, आपको इस तरीके से अपना ये लेना है, और इसके बाद आपको कम से कम 2 से 3 मिनट का वेट करना है। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें रिजल्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमें इसमें 2 मिनट हो चुके हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने यूरिन लिया था, ये देखिए, ये जो प्रेग्नेंट महिला है इसके इसमें यूरिन में
ऊपर एक लेयर आपको दिखाई देगी इस टाइप की, ये देख पा रहे हैं आप। जो बाकी जो प्रेग्नेंट नहीं है, ये देखिए मैं आपको इसमें दिखा भी देती हूँ, ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल जो शुगर जैसी डाली है वैसी की वैसी ही है, बिल्कुल इसमें इस यूरिन में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। लेकिन आप इस यूरिन को देखिए, इसमें एक लेयर आपको ये ऊपर दिखाई देगी इस टाइप से, और जो इसकी शुगर है वो थोड़ी मेल्ट नहीं होती है और चिपक जाती है। तो ये है प्रेग्नेंट होने का, जो ये है प्रेग्नेंट है और ये प्रेग्नेंट नहीं है। आप इसमें देख पा रहे होंगे बिल्कुल अलग अलग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्रेग्नेंट लेडी में इसमें ऊपर हल्की सी लेयर भी आपको आ जाएगी 2 से 3 मिनट के अंदर ना, और इसमें आपको देखिए कोई लेयर आपको नहीं दिखाई देगी, बिल्कुल क्लियर यूरिन है। तो आप आसानी से ये घर में प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो समझ आई होगी। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो समझ आ गई होगी, और इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।